रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ पुलिस ने किया आतंकवादियों जैसा सलूक। कमिश्नर परमबीर सिंह के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों ने अर्नब गोस्वामी के घर में जबरदस्ती घुसकर अर्नब गोस्वामी तथा परिजनों के साथ पुलिस ने की मारपीट, साथ ही बिना कुछ बताए जबरदस्ती मारपीट कर गाड़ी में बिठा कर ले गए। पत्रकार एकता संघ ने प्रधानमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अविनाश कुमार के द्वारा भेजा और मांग की थी रिहाई के साथ साथ अर्नब गोस्वामी के घर में जबरदस्ती घुसने तथा एडिटर इन चीफ को गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मियों पर तत्काल विधिक कार्रवाई की जाए, दोषी पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए तथा साथ ही यह भी मांग की जिस तरह से तीन स्तंभों को मजबूती प्राप्त है उसी तरह देश के चौथे स्तंभ को वरीयता दी जाए तथा पूरे देश में पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, मीडिया कर्मियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पत्रकारों पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं, साथ ही पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करने से पहले किसी राजपत्रित अधिकारी से जांच कराई जाए। वहीं दूसरी तरफ टोडरपुर विकास खंड के ग्राम सलेमपुर राय में खंड विकास अधिकारी ऋषिपाल सिंह ने मीडिया कर्मियों से अभद्रता की थी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, अब तक कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्रकारिता संघ के द्वारा ज्ञापन भेजा गया, साथ ही मांगी इस प्रकरण की जांच कराकर मीडिया पर अभद्रता करने वाले खंड विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश ठाकुर, नीरज पाठक आदि लोग मौजूद रहे। हरदोई उत्तर प्रदेश से अमित कुमार राठौर की रिपोर्ट। ज्ञापन के संबंध में दिया ज्ञापन पत्रकार एकता संघ की तरफ से दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी जी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया और उनको जबरदस्ती उनके घर में घुस के और उनको प्रताड़ित करके उनको मारा कूटा और जेल में जो जिस तरह भेजा गया है वो बहुत ही निंदनीय कार्य है महाराष्ट्र सरकार का। इसके लिए हमारा पत्रकार एकता संघ हरदोई इकाई क्या पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी भी इकाई है पूरे देश में हमारा पत्रकार एकता संघ फैला हुआ है वो सभी हमारे संगठन के पदाधिकारी अर्नब गोस्वामी जी के साथ में हैं और सरकार से मांग करते हैं, प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप महाराष्ट्र सरकार पर कुछ अंकुश रखिए और उनके उसके बाद में वहाँ उनकी न्यायिक जांच करा के अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा पहले से पंजीकृत है तो उसको न्यायालय से पहले आदेश लेके पुलिस को खोलना चाहिए था, ना कि किसी पत्रकार के घर में घुस के उसको मारा पीटा जाए और उसको प्रताड़ित करके उसकी बेइज्जती करके चौथे स्तंभ की बेइज्जती करके उनको जेल में भेजा जाए। उसके बाद में और एक ज्ञापन यहाँ पर हरदोई डिस्ट्रिक्ट के हमारे ब्लॉक टोंडरपुर का मामला है, वहाँ पर बी डी ओ साहब ने कुछ दिन पूर्व पत्रकारों के साथ अभद्रता की थी, वो भी हमारा पत्रकार एकता संघ ये मांग करता है जिले के डीएम साहब से कि उस प्रकरण की जांच करा के और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो भी हैं जिन्होंने पत्रकार के साथ अभद्रता की उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। प्रदेश उपाध्यक्ष जी, आपने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, तो सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और योगी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे पत्रकारों के हित में? पत्रकारों के हित में सरकार तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह इस देश में तीन स्तंभों को इतनी मजबूती दी गई है अभी हमें नहीं लगता कि हमारे चौथे स्तंभ तो को मजबूती दी गई है सरकार द्वारा। मैं तो यही मांग करूँगा प्रधानमंत्री जी से कि इस चौथे स्तंभ को भी मजबूती दें, जिस तरह सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई गई नेताओं को जो और अधिकारियों को दी जाती हैं उनके बीमा, हमारे पत्रकारों के लिए बीमा की व्यवस्था की जाए, हमारा पत्रकार कवरेज के दौरान मारा जाता है या कोई उसके साथ अप्रिय घटना होती है उसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे पत्रकारों को भी मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। जिस तरह चौथा स्तंभ है तो चार स्तंभों की जो तीन स्तंभों को मजबूत किया गया सरकार द्वारा, चौथे स्तंभ को बिल्कुल ही मजबूत नहीं किया गया, मजबूती नहीं दी गई है। सरकार इस पे विशेष ध्यान दे, हमारे पत्रकारों को मजबूत करे। जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश सरकार में भी पत्रकारों पर आए दिन मुकदमे फर्जी दर्ज किए जा रहे हैं, इस संबंध में मुख्यमंत्री जी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने प्रदेश में सुधार करें, अपने पुलिस के ऊपर कंट्रोल करें कि हमारे पत्रकारों पर जो भी मुकदमा दर्ज किए जाते हैं सबसे पहले उसकी किसी राजपत्रित अधिकारी से जांच कराई जाए, उसके बाद में ही मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल भेजा जाए अगर हमारा पत्रकार दोषी है। ये बिल्कुल ही हटा दिया जाए कि एकदम पत्रकार के ऊपर कोई भी आदमी जाके मुकदमा दर्ज करा देता है उसके बाद में तुरंत आनंद फानंद में पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। ये बहुत ही दुखद घटना होती है प्रदेश में अगर ऐसी होती है।